सबसे सब देखे उनका जीवन भागवत पुराण को हम लोग देखे तो उनका शक्ति को लेकर इतना भूमिका हम लोग कभी नहीं देखा। लेकिन इस दफे जो शारदा देवी आए थे निरक्षर का रूप से जन्म बाकी में उनका जन्म हुआ, लेकिन सब गुण ऐश्वर्य उन्होंने ढक के आए थे, कोई प्रकाश नहीं थे, इसलिए उनका बोलते हैं लज्जा पटा भूमिका। इतना बड़ा भूमिका से पूरा अपना सबको धक्का देके रखते थे, तो उनके इतना ऐश्वर्य भी कोई प्रकाशित तो नहीं थे, लेकिन ठाकुर जानते थे ये शारदा देवी कौन है, इसलिए शारदा देवी का जो प्रकाश है ठाकुर ने बोला है माता को, देखो मैं क्या किया, तुमसे मुझसे भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो माता ने बोला मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो हमारा तो ज्यादा दिन रहना नहीं है, लेकिन तुमको बहुत दिन रहना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर का देहांत का बाद में दीर्घ 34 वर्ष साल उन्होंने ये रामकृष्ण संघ को प्रतिष्ठा करने में सहायता किया है, और आदर्श नारी का रूप में जगत में उनका जीवन वाणी आदर्श तपस्या हमारे सामने रख दिया है। तो इसका बारे में ठाकुर जानते थे माता जी कौन है, इसलिए ठाकुर साक्षात स्वयं शारदा देवी को एक दफे कामार बकुर जो माता का उम्र थे करीबन 12-13 साल थे, वहाँ अपना पास रख के समस्त लोक का लोक चक्र अंतराल में उनको अच्छा से उनको सिखाया दिखाया। प्रदीप सुलता प्रदीप हमको जला हुआ है उठा के बोलते भी बोलता है कैसे इसको तैयार करना चाहिए, कैसे लोक व्यवहार करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या क्या है, सब लोक चक्र अंतराल में माता को उन्होंने शिक्षा दिया है क्या करना है, कि इसका साथ क्या समाधि है, क्या आध्यात्मिकता है, क्या जीवन का क्या उद्देश्य है, उन्होंने मन को शिक्षा दिए के भविष्य के लिए माँ को उन्होंने पूर्व दफे तैयार किया है। कोई तो नहीं देखा हुआ है कि ठाकुर का कोई अस्वाभाविक है, पागल है, ये है, तो बोला ठीक है जो कुछ है मुझे देखना चाहिए कैसे है, अपना आंखों से मैं देखूंगा, उसके बाद में जो कुछ करना चाहिए करना है।